हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको लाए हैं घुमाने के लिए पटना साहिब गुरुद्वारा। तो मैं और आप आज मिलके गुरुद्वारा घूमेंगे। ये देखिए, ये गुरुद्वारे का मेन गेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्वागतम, और यहाँ पर ये चारों तरफ का व्यू है। तो अब हम यहाँ पर से एंटर करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे जूते चप्पल जमा करने का जगह होता है। और ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली अपने चप्पल, सैंडल, जूते वगैरह खोल के यहाँ पे जमा करना होता है। तो ये दो जगह होता है, एक तो फ्रंट पे ही था और एक यहाँ पे भी आप देखिए जूता का गेट था। तो हम लोग यहाँ पे चल के अपना जूते को, सैंडल को सबमिट करते हैं। और दादाजी आपको दिख रहे होंगे, ये पुणे से यही सबका जूता रखते हैं। और यहाँ पर एक टोकन भी मिलता है। फिर बाहर आकर के हम लोग यहाँ पे हाथ धोते हैं, जो कि आपने जिस हाथ से जूते उतारा हुआ होता है। फिर हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं, आगे प्रसाद काउंटर है, जो कि हम लोग ये देखिए यहाँ पर से मैं आपको कोशिश कर रही हूँ चारों तरफ घुमाने की। और ये देखिए, यहाँ पर से चारों तरफ का व्यू है। ये जूता था जहाँ हमने अभी सब किया जूता। और अभी वहाँ पे मैं बात कर रही थी, मुझे तो कुछ पता नहीं था, पूछी कि यहाँ पे प्रसाद काउंटर कहाँ पे है। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रसाद काउंटर की ओर, जहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। यहाँ पे सब जगह लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे टोकन मिलता है प्रसाद का। प्रसाद आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे जाके पहले टोकन लेना होता है। तो हम लोग यहाँ पर से टोकन ले लिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरे काउंटर पे, प्रसाद मिलता है। तो जैसे ही वो टोकन देंगे, वो हमको प्रसाद भी देंगे। तो हमने इनको टोकन दिया और इनसे अब हम प्रसाद लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे आगे प्रसाद लेके तख्त साहिब मंदिर की ओर। और ये देखिए, ये बीच का आंगन है, इसको मैं पहले अंदर जाती हूँ, फिर मैं थोड़ा पूजा करूँ, फिर मैं अच्छे से कवर कर पाऊँगी। फिर यहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी की, यहाँ पे हर जगह अलाउड नहीं है कैमरा को, अगर वो लोग कोई देखते हैं तो वो मना भी करते हैं। पर मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना शूट कर पाऊँ आपके लिए। ये देखिए, ये अंदर, यहाँ से अंदर का रास्ता है। और यहाँ अंदर हमेशा गुरुदेव जी की, सॉरी गुरु नानक जी की वाणी होती रहती है, जो कि मैं कुछ वीडियो में मैं आपको वो सुनाऊँगी। मैं वो वीडियो में बिल्कुल नहीं करना चाहती, मुझे खुद ही वो बहुत पसंद है वो बात। आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे बचपन का पालना, लोहे के चाटी, तलवार, पादुका तथा हुकुमनामा सुरक्षित रखना। और यहाँ पे हमेशा गुरुदेव नानक जी की वाणी होती रहती है, जो कि मैं वीडियो में वो नहीं कहना चाहती, मैं आपको अमृत सज मेरा, हर अमृत सज मेरा, सोहराज
प्रॉब्लम हुआ, बट यहाँ पे इतने लोग अच्छे हैं जो कि वो अगर आपको थोड़ा भी किन्हीं से आप पूछेंगे तो वो आपको इतने वो बोलते हैं कि क्या मैं आपको गुरुद्वारा दिखा दूँ। उन्होंने मुझे भी ये ऑफ़र किया था, बट मैं सोची कि नहीं, मैं खुद ही देख लूँगी। और ये अंदर पाठ हो रहा है, यानी किस चीज़ का बट छोड़ा। और यहाँ पे सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से लोग सेल्फी ले रहे हैं, से उतरना पड़ रहा है। ऊपर कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं जो नीचे है, उन्हीं का बस ऊपर में पहाड़ होते रहता है। जो भी चीज़ है वो सब नीचे ही देखने लायक है। ये देखिए, तो हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए और अब लंगर की तरफ जाएंगे। भीड़ नहीं है बट गुरुद्वारे में ज़्यादा प्रकाशोत्सव होता है, तो इस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जो अभी इतना नहीं है।
और ये है जो लंगर हम लोग जा रहे हैं लंगर खाने, तो बाहर में ये हाथ वाथ धोने के लिए नल लगा हुआ है। इसी गेट से अंदर जाना है। अंदर आके हम लोग को पता चला कि इसमें लंगर नहीं बनता, एक्चुअली इसमें सिर्फ लंगर में जो खाने का सामान है वो बनता है, यहाँ पे लंगर खाया जाता है, तो वो दूसरे बिल्डिंग में खाना खिलाया जाता है लंगर का। तो उन्होंने हमें बताया कि इसके पीछे जो एक बिल्डिंग है आप वहाँ जाइए, वहाँ होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। वो उससे सटा हुआ ही बिल्डिंग है, बट वहाँ पे वही लोग जाते हैं जो उससे रिलेटेड है, जैसे खाना पहुँचाना हो, आम आदमी लोगों के जाने का रास्ता ये है इधर से, जस्ट उसके बगल में ही ये बिल्डिंग है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं मुझे शूट करने में कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैमरे देखते हैं तो वो बिल्कुल मना करते हैं शूट करने से। मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ही सही मैं आपको शूट करके दिखाऊं। मैं मुझे भी बड़ा गुरुद्वारा आने का बड़े दिनों से ख्वाहिश थी, आज वो पूरी हो गया। और सच में यहाँ पे आकर बहुत सुकून मिलता है, एक अजब अजब सी फीलिंग है, एक अजब सा एहसास होता है, एक अलग ही सुकून मिलता है गुरुद्वारे में आकर के। ये देखिए यहीं पे लंगर लगता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ लोग काम करने आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग खिलाने आते हैं लंगर, जो कि हेल्प करने आते हैं। इस गुरुद्वारे की खासियत यह है कि यहाँ पे लोग खुद से ही काम करने आते हैं, यहाँ पे आपको कोई सब अपने मन से अपने श्रद्धापूर्वक काम करने आता है। और ये है लंगर का प्रसाद, ये खीर है, सब्जी था, रोटी था, चावल था, दाल भी था और हलवा था। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, सिर्फ गुरु नानक जी का आशीर्वाद पाने के लिए। और ये देखिए यहाँ से मैं फिर अपना सेल्फी ले रही थी आप लोगों के लिए, यहाँ से मैं चारों तरफ का व्यू दिखा रही थी। सच में ये बहुत खूबसूरत है गुरुद्वारा, आप प्लीज आए, यहाँ पे जरूर आए। ये पटना में जो पटना के लोग हैं एटलीस्ट उनको तो आना ही चाहिए, कि पटना में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है। मैं कभी सोच, मैंने सुना था बस सिर्फ गुरुद्वारा के बारे में, आज आके सबसे अच्छा कॉर्नर है ये गुरुद्वारे का, हर जगह फ्लावर का रखा हुआ है, आप कहीं पे भी जाके फोटो शूट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। तो यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, और ये देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पे अपनी सेल्फी अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी, कितना सुंदर फ्लावर ऐसा है। आप यहाँ पे आए और फ़ोटो ना खिंचवाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और ये हम लोग इसी तरफ से आए थे और अब यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सारी आकृतिक गुंबदनुमा बनाई हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पर जब आप, मैं नीचे, आप यहाँ पर मैं जा रही हूँ, आप देखिए नीचे यहाँ पर पैर धोने का बना हुआ है, बीच में ऐसा छोटा सा पार्टीशन करके यहाँ पे, ये देखिए जब आप एंटर कर रहे होते हैं ना, तभी यहाँ पे पैर धोने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे पैर खुद ही आपको इसमें पैर डाल के ही आना होता है ऊपर, तो ऑटोमेटिक पैर धुल जाते हैं। कितनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ये मुझे यहाँ पे बड़ा ही अच्छा लगा, और बड़ा ही ये एक अलग ही आइडिया था
कि आप ऑटोमेटिक आपके पैर धुल जाते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ से व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ये वही जूता घर है जहाँ पे हमने अपना जूता रखा था, और यहाँ पे चल के वापस से वही टोकन जो पहले लिए थे हम लोग, वो टोकन आपको देना होगा, फिर आपको वो वापस से वो जूता दे देंगे। ये देखिए पहले वो दादाजी वो साइड में बैठे हुए हैं एक्चुअली में, और अब हम लोग, अब हमारा जाने का समय आ गया है। हम लोगों ने करीब 4-5 घंटे यहाँ पे बिताए, और बड़ा ही वो सुकून भरा पल था। अगर आप नहीं आए हैं गुरुद्वारा तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ आए गुरुद्वारा। ये पटना में ये बहुत दूर नहीं है, नज़दीक ही है हमारे, वो भी पटना में ही है। और ये देखिए ये फ्रंट गेट आ गया, और अब हम यहाँ से एग्ज़िट होने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे पर्यटक सूचना केंद्र है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कहीं बाहर से आए हैं और आपको कोई भी आइडिया ना हो, आप वहाँ जाके सारा कुछ सारे चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये देखिए यहाँ से हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं, और वैसे तो बिल्कुल ही जाने का मन नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा ही। मैं फिर से वापस ज़रूर आऊँगी गुरुद्वारा, यहाँ पे बड़ा ही सुकून मिलता है। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो मिस ना हो।